16 जून सन 2022 आज का पंचांग, आज की तिथि, वार, नक्षत्र, योग करण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 16 जून सन 2022, आज की तिथि, वार, नक्षत्र, योग करण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आज का राहु काल का अशुभ समय क्या रहने वाला है, अभिजीत मुहूर्त और गोली काल का शुभ समय क्या रहेगा, आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, यानी आज कौन सी दिशा का दिशाशूल रहेगा, इसकी भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की आज द्वितीय तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। द्वितीय तिथि प्रातः काल 9:46 तक रहेगी और उसके बाद तृतीय तिथि होगी। आज का वार गुरुवार है यानी बृहस्पतिवार। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 12:37 मध्याह्न काल तक रहेगा और उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र होगा। बात आज के योग की करें तो आज ब्रह्म योग 9:08 मध्य रात्रि तक रहेगा और उसके पश्चात इंद्र योग होगा। आज गर करण 9:46 प्रातः काल तक रहेगा और उसके बाद वणिज करण होगा। राहु काल का अशुभ समय आज 2:06 से प्रारंभ होगा, दोपहर 3:51 तक रहेगा। अभिजीत के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 11:51 से लेकर के 12:46 मध्याह्न काल तक अभिजीत का शुभ मुहूर्त होगा। गोलिक काल का समय आज प्रातः काल 8:52 से लेकर के 10:36 तक रहेगा। राहु काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें, अभिजीत मुहूर्त और गोलिक काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को करना चाहिए और गोलिक काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित कार्यों को करना चाहिए। आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा का है, आज दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचिएगा। यदि प्रतिदिन दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं नौकरी व्यवसाय कामकाज को लेकर के दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं तो आपको उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी खास काम के लिए आवश्यक स्थिति में आप दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे हैं, घर से दही का सेवन करने के पश्चात ही दक्षिण दिशा की यात्रा करें। जब भी आप घर से निकलें उस समय देखें जिस भी नासिका छिद्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो, गतिमान स्थिति में हो, उसी तरफ के पैर का पहला कदम रख करके यात्रा शुरू करें और निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पिता परमेश्वर आपको यश, आयु, कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करें। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करना चाहिए। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।